हेलो एवरीवन, जय हिंद। जैसा कि पिछली क्लास में वादा किया था कि इस बार एक कमिटमेंट है कि हम कंटिन्यू रहने की पूरी कोशिश करेंगे, तो देखिए हमने उसको निभाने की कोशिश की है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेशन 16 का हाफ पोर्शन किया था। आज हम जो है उसके बचे हुए वर्ड्स करेंगे। वर्ड्स बहुत सारे हैं और आप बहुत सारे वर्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर जब आप वर्ड लर्न करते हो तो वर्ड को जब तक आप महसूस नहीं करोगे, हालांकि ये चीज़ें मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुकी हूँ, शब्द भाव होते हैं और जब तक आप उसे देखेंगे नहीं, जब तक आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो वर्ड अंदर सिंक नहीं करते हैं। तो जब आप वर्ड लर्न कर रहे होते हो तो उतनी देर के लिए आप उस वर्ड के बारे में थोड़ा सोचें तो शायद वो वर्ड आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आज भी बहुत सारे वर्ड हैं और मैंने पहले भी कहा था, जब हम एक वर्ड करेंगे तो उसके पेरिफेरल में अगर और भी वर्ड हैं जो उस पेरिफेरल में आते हैं तो हम उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, वर्ड्स नीड लिटिल बिट इमोशंस एंड फीलिंग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फीलिंग टुडे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि शब्दों में भी भावनाओं की बहुत ज़रूरत है। शब्द बिना भावनाओं के निरर्थक होते हैं, इसीलिए थोड़ी भावनाओं के साथ वर्ड लर्न करिएगा। सबसे पहले अब हमारे पास है पैथोस। अगर हम इसका बेसिक मीनिंग देखें तो दैट इज़ सफरिंग, पीड़ा। कोरोना ने और कोरोना के पहले और कोरोना के बाद में जो है वो जो लैब होते हैं, पैथोलॉजिस्ट वाले जो लैब होते हैं, उनको तो बहुत पॉपुलर कर दिया। लाल पैथ, एवरीबडी इज़ वेल अवेयर अबाउट इट। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ पैथोलॉजी। जो लॉजी का मतलब आपको पहले ही पता है, दैट इज़ अध्ययन, और पैथ इज़ पीड़ा, पीड़ाओं का अध्ययन, दैट इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी। और जो करता है उसे हम कहते हैं पैथोलॉजिस्ट। बहुत ही ईजी वर्ड है, हालांकि इस वर्ड को सेव करके रखिएगा, आगे हम इस पे और वर्ड करेंगे जब हम साइक पे पहुँचेंगे। साइकोपैथी, दैट इज़ मेंटल सफरिंग। अब हम अगर पैथोस का एक और मीनिंग लें इंग्लिश में तो दैट इज फीलिंग्स। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। सबसे पहले हमने थोड़ा नेगेटिव वर्ड लिया है, दैट इज अपैथी। अपैथी, दीज डेज एवरीबडी कंप्लेन दैट पीपल आर बिकमिंग मोर रोबोटिक दैन ह्यूमन। लोग इंसान से ज़्यादा रोबोट बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में अब भावनाओं की थोड़ी कमी हो रही है। आपने लगाया है अ और साथ में पैथी, दैट इज़ अपैथी, नाउन फॉर्म है, एंड अपैथेटिक जो एक एटीट्यूड है, अप्रोच है, दैट इज़ अपैथेटिक अप्रोच। नाउ यहाँ पर आपके पास बहुत सारे वर्ड हैं जो और इसी कैटेगरी के हैं, डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव का है। भावनाओं की कमी एक और जगह भी पाई जाती है जिसे हम साधुवाद कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसमें बिलीव रखता है तो वो भी भावनाओं से अपने आप को दूर रखता है। जैसे स्टोइक, स्टोइक इज अ पर्सन जो सुख और दुख दोनों को एक बराबर लेता है। आप कह सकते हो कि भाई उसमें भी तो इमोशन की कमी है, क्योंकि वो घर बार त्याग देता है, अपने नाते रिश्ते छोड़ देता है, बट वो एक पॉजिटिव अप्रोच है। दुनिया का त्याग इसलिए किया है कि माया मोह से ऊपर हो जाएं। यहाँ पर मैं एक किस्सा बताना चाहूँगी जो मैं अपनी क्लास में अक्सर शेयर करती हूँ, और ये जो हम छोटे किस्से बताते हैं इसको हम एनेक्डोट कहते हैं। एक बार मैंने कभी मदर टेरेसा का इंटरव्यू देखा था, तो उसमें इंटरव्यूअर ने पूछा उनसे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल टू लव एवरीवन। तो उनका जो जवाब था कि आई डोंट लव एनीवन, दैट्स व्हाई आई लव एवरीवन। तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि थोड़ा यंग एज में ये लाइन सुनी थी तो मुझे समझ में नहीं आया था कि हाउ इट कुड बी पॉसिबल दैट व्हेन यू डोंट लव एनीवन देन यू लव एवरीवन। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि सबसे प्यार करने के लिए सबसे आपको डिटैच होना पड़ता है, अदरवाइज हम स्पेसिफिक लोगों को ही प्यार कर पाते हैं, और अगर हम सबसे दूर हैं तो हम शायद सबको प्यार कर पाते हैं। स्टोइक उसी कैटेगरी में आते हैं, बट अपैथेटिक इज लिटिल बिट इम्यून। इम्यून एक वर्ड जो है यहाँ पर आप इसके लिए ले सकते हो, इम्यून, या आप एक और वर्ड कह सकते हो इनडिफरेंट। इनडिफरेंट, और जो लोग थोड़ा
शेर व शायरी में बिलीव रखते हैं, तो एक गज़ल है कि असर उस पर कुछ नहीं होता, तो अगर आप ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो दैट इज़ इनडिफरेंट, वो हर सिचुए कोई उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इनडिफरेंट है। तो वर्ड आपके लिए अपैथी में कई वर्ड हैं, अपैथेटिक के लिए आप स्टोइक भी यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड इम्यून एंड इनडिफरेंट एंड अपैथेटिक दीज हैव लिटिल नेगेटिव अप्रोच। नाउ एंटीपैथी, आपको अगर किसी को देखते ही बड़ी चिढ़ मचती हो, उस पर गुस्सा आता हो, तो इसका मतलब आपका जो अप्रोच है उसके लिए वो थोड़ा सा हॉस्टाइल अप्रोच है, आपको उससे थोड़ी अपोजिट फीलिंग होती है, हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये वाइव्स कहते हैं इसे हम, कि किसी की वाइव मैच नहीं करती तो हमें उस व्यक्ति से बड़ी एंटीपैथी होती है। नाउ दिस इज़ अ सिंपैथी, सिम इज़ टुगेदर एंड एंपैथी, अभी हम बात कर ही रहे हैं फीलिंग की, तो अगर आप किसी के साथ उसकी पीड़ा में आप उसका साथ दे सकते हो तो दैट इज़ कॉल्ड सिंपैथी, यानी सहानुभूति रखना। इसके लिए अगर थोड़ा आप अच्छा वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो दैट इज़ To commiserate, sympathize is to commiserate. इसका जो verb form है that is sympathize, sympathize, और इसी का synonym word है हमारे पास commiserate, that is also to sympathize. Now we have empathy. Empathy का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने आप उस दर्द से गुजरे हो या नहीं गुजरे हो, बट उसकी सफरिंग में उसके साथ हो, दैट इज़ कॉल्ड सिंपैथी। बट एम्पैथी का मतलब होता है जब आप उसकी पीड़ा को बिल्कुल वैसे ही समझ लेते हो जैसा उसे हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहूँगी। अक्सर लोग कहते हैं कि लेखक कवि ये ऐसा कौन सा बड़ा काम कर ले जाते हैं जो इनको इतना बड़ा जो है वो दिया जाता है, ओहदा दिया जाता है। तो एक बहुत छोटी सी वजह है कि शायद इनकी सेंसिटिविटी इस हद की होती है कि वो उन्होंने कभी गरीबी का जीवन जिया हो या ना जिया हो, मगर वो उसको इतना बढ़िया महसूस करके लिख देते हैं कि फिर ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने वो जीवन जिया ही था। और इसी सेंसिटिविटी के लिए जो मानव संवेदना में जो हाईएस्ट लेवल पे जो जो एक कहते हैं महसूस करना, इसके लिए शायद उन्हें ये श्रेय दे दिया जाता है कि वो उसको उस लेवल तक समझ लेते हैं, इसीलिए वो ग्रेट हैं। एम्पैथी किसी के दर्द को बिल्कुल वैसा समझ लेना जैसा उसको हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। एम्पैथी दलाई लामा टॉक्स अबाउट कंपैशन एंड एम्पैथी। कंपैशन इज सद्भावना एंड एम्पैथी इज कि आप उसकी फीलिंग्स को समझिए कि उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। और शायद अगर मानव समाज थोड़े परसेंट में भी ये ले आए तो हम बहुत सारी समस्याओं से शायद दूर हो पाएंगे। टेलीपैथी, अब यहाँ पर पैथी इज फीलिंग एंड टेली इज़ दूर, बहुत सारी जगहों पर आपको टेली प्रीफिक्स मिलता है, टेलीफोन, टेलीविजन, टेलीग्राफ एट्सेट्रा, यहाँ पर टेलीपैथी। अब यहाँ पर इसे हम ESP कहते हैं, ESP एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इसका पूरा जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता, ना आपको साइंस बता सकती है ना फिलॉसफी, कि क्यों ऐसा होता है कि कई बार थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि कई बार बिना कम्युनिकेशन के भी कोई फ़ोन नहीं किया, कोई बात नहीं हुई, बट आपकी मदर का कॉल आ जाता है या मदर पूछ लेती हैं कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या, कुछ हुआ है क्या, और सच में हुआ होता है। या किसी दिन आप अपने दोस्त को बहुत याद कर रहे होते हैं और अचानक उस दोस्त का फ़ोन आ जाता है, यार आज तेरी बहुत याद आ रही थी, कैसा क्या हो गया ये। तो हालांकि मैं भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ती भी हूँ इस पर कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है। तो कई बार बिना बोले ही दूर से ही लोग हमारी फीलिंग को समझ जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें जो साइंस मानती है, अ मदर, माँ आपकी फीलिंग को जो अनकंडीशनल प्रेम है, शायद वो एक इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि माएँ बच्चों की तकलीफ़ों को कई बार बिना कहे भी समझ जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेलीपैथी। एंड पैथेटिक, ऑफ कोर्स पैथ इज सफरिंग, किसी को
पीड़ा में देखकर, जो एक पैथेटिक कंडीशन में हो, जब देखकर आपको आप बहुत ज़्यादा दया आए या उसे देखकर बड़ा दुख सा महसूस हो, उस कंडीशन को कहते हैं पैथेटिक कंडीशन। आप कह सकते हो मिजरेबल, मिजरेबल, मिजरेबल। तो हमारे पास एक क्विक हम कर्सरी, दैट इज सर्सरी, ये मैं क्लास में बच्चों को थोड़ा फनी वे में बताती हूँ। जब बहुत ज़्यादा डीप ना पढ़ना हो, बस एक क्विक लुक दे देना हो, दैट इज कर्सरी। और सब मॉनिटर यूज़ करते होंगे, कंप्यूटर मॉनिटर एक कर्सर होता है जो मूव करता रहता है, तो कर्सरी का मतलब होता है अ क्विक ग्लांस। तो फटाफट देखेंगे हम पैथोसिस सफरिंग और पैथोलॉजी एंड पैथोलॉजिस्ट जो पीड़ाओं का अध्ययन करते हैं, और जो वो जगह होती है दैट इज पैथ, कई हैं अलग अलग। पैथोस इज अनदर मीनिंग फीलिंग्स, अपैथी, एंटीपैथी, सिंपथी, एम्पथी, टेलीपैथी एंड पैथेटिक, ये सारे वर्ड हैं, आप रिवाइज कर लीजिएगा। इफ़ यू हैव बुक तो आपके पास बुक के एंड में एक्सरसाइज होगा। आज मैं एक किसी बच्चे का वीडियो देख रही थी, शायद सिविल सर्वेंट है वो, और उनका एक वीडियो था कि व्हाई टू रीड फाइव बुक्स, व्हाई नॉट रीड वन बुक फाइव टाइम। और ये लगातार मैं जितने भी वीडियोस देखती हूँ जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनके, तो बार बार एक चीज़ कहते हैं कि एक चीज़ को आप कई बार पढ़िए, और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपका वो नॉलेज और डीप होता चला जाएगा। तो ये जो आप नॉर्मल लॉज के एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप इसको एक बार करके छोड़ मत दीजिए, एक बार करिए, दो बार करिए, तीन बार करिए, और धीरे धीरे ये आपके अंदर असिमिलेट होता जाएगा, सिंक होता जाएगा, इम्बाइब होता जाएगा। देखिए तीन वर्ड बताए मैंने आपको, सिंक, असिमिलेट और इम्बाइब, दैट इज अंदर तक घुस जाना। तो आप इसे रिवाइज कर लेंगे और एक्सरसाइज कर लेंगे, और फिर अगले सेशन में मिलेंगे, सेशन 17 में, कुछ नए और दिलचस्प रूट वर्ड, और उनसे फिर और नए वर्ड बिल्डअप करेंगे। चलिए तब तक रिवाइज करिए एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू, जय हिंद।